नमस्कार, मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। कबीर के विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में मैं आप सबका और एक बार स्वागत करता हूँ। आज कबीर से संबंधित और एक पद, इसमें भी यह तो विरोधाभास अलंकार के द्वारा यह पद बताया गया है। यहाँ विरह मतलब लौकिक नहीं, आध्यात्मिक विरह मतलब भगवान के प्रति, मतलब भगवान से नाम मिलने का विरह वेदना किस प्रकार अनुभव करना ही नहीं, इसके बाद मिलने वाले परम प्रभु परमात्मा श्रीमन नारायण के दरबार में पहुंचने के लिए किस प्रकार की विरहावस्था को झेलना है और इस क्या क्या जलाना है। जलाना मतलब भौतिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। इसके बारे में कबीर बहुत बढ़िया अत्यंत सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। हम बिरहा की लाकड़ी समझी समुझी दुंधाऊँ, छूटी पड़ाऊँ यह बिरह तय जे सारी ही जली जाऊं। पहले शब्दार्थ देखेंगे। समझी समझ मतलब रह रह कर, दुंधाऊँ मतलब धीरे धीरे, मतलब आराम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जलना है। सुलग मतलब सुलग कर जलना, धुआं देकर जलना ना। और इसके साथ साथ यहाँ तो यहाँ सारी मतलब सभी या संपूर्ण है। यहाँ देखिए कबीर कहते हैं, मैं विरह की वह गांट गटीली लकड़ी हूँ। गांट गटीली लकड़ी बोलते हैं, जो शनै शनै रह रहकर धुआं देती हुई सुलगती हूँ। अच्छा होता यदि, बढ़िया होता यदि मैं संपूर्ण रूप से एक बार ही जल जाती, इस प्रकार इस विरह व्यथा से मुक्ति मिल जाती। यहाँ बहुत अन्य ऐसे बताते हैं, यहाँ विरह मतलब लौकिक विरह नहीं, आध्यात्मिक अलौकिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए यहाँ ये बता रहे हैं। देखिए इस पद में कबीर बताते हैं साकी में विरह व्यथा की तीव्रता का कैसे प्रतिपादन करते हैं। देखिए और यहाँ बहुत व्यंजना भी बहुत बढ़िया, क्योंकि इस संसार के प्रति आसक्ति और अहंकार की ग्रंथि मिट जाए। किसको जलाना है? अहंकार को, काम क्रोध मद मात्सर्य, हम सब जो मैं मेरा ये मेरी ये बहुत सारी इस सब को, इन इन चीजों को जलाना मतलब मिटाना है। और कहते हैं, और वह कबीर कहते हैं, पूर्ण रूप से विरह की आग ददक उठे तो प्रभु मिलन की संभावना प्राप्त हो जाए। इससे ये कहना चाहते कबीर का आशय यह है कि लौकिक विरह में जलने के बाद मिलन संभव नहीं, परंतु आध्यात्मिक विरह में जलकर ही, इसका मतलब यह अहम को पूर्ण विनाश के बाद ही आपा के सर्वता बिल्कुल समाप्त, मतलब अपने जो अहम को जब समाप्त करते हैं, परमात्मा परम प्रभु श्रीमन नारायण से मिलन का सुंदर सुयोग्य सुअवसर प्राप्त होता है। यह कबीर का कहना है कि इसमें कबीर ये कहना चाहते हैं कि इस अहंकार को कैसे जलाना है। देखिए, हाँ बिरहा की लाकड़ी समझी समझी दुधाऊँ, चूंट पड़ाऊँ यह बिरह तय जे सारी ही जल जाऊँ। यहाँ कबीर का कहना है कि इस यहाँ लकड़ी का उदाहरण तो दिया है, मतलब धीरे धीरे नहीं, जैसे हमारे अंदर जो निहित काम क्रोध मद मात्सर्य के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अहम, इस अहम को पूर्णतः जलाकर, क्योंकि भगवान से नाम मिलने की विरह व्यथा विरह वेदना के कारण, मतलब इस विरह में अपने संपूर्ण अहम को, मतलब यहाँ मैं इस शब्द को जब हम जला लेते हैं और संपूर्ण अहम को समाप्त कर लेते हैं, तो परमात्मा परम प्रिय भगवान श्रीमन नारायण के दरबार में
पहुंचना बहुत आसान कहते हैं यहाँ कबीर। धन्यवाद।